दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको शायद इसके बारे में पता हो, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगे जो शायद आपको पहले पता ना हो। सबसे पहली चीज़ तो इस वीडियो की जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टॉप लॉस ज़ेरोधा अकाउंट में जो हम लगाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस सुन करके आप सबको पता है कि स्टॉप लॉस होता है हमारे लॉस को कम करने के लिए, जैसे कि नाम से क्लियर। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा भी होता है, या आप बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है और आपके साथ भी हो सकता है, कि आपने स्टॉप लॉस तो लगाया लेकिन आपका स्टॉप लॉस काम नहीं किया। जहाँ पे आपका लॉस 2% होना चाहिए तो वहाँ पे आपका लॉस 10% भी हो सकता है। ये चीज़ कब होती है और क्यों हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता भी नहीं चलता। और बाद में वह हम बोलते हैं कि हमारे ब्रोकर ने हमारे ज़्यादा पैसे, मतलब ये हो गया वो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ज़ेरोधा में जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे दो तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, एक SL ऑर्डर्स होते हैं, दूसरा होता है SLM। तो SL एंड SLM ऑर्डर, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप अपने लॉस को सच में कम करना चाहते हो, ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हो। क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना कोई भी बंदा ट्रेडिंग में एक हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं सकता। जितना पैसा आप लेकर के आओगे उसको गवा करके या बाद में निकल जाओगे, ये बोल करके कि ट्रेडिंग क्या है, एक गैम्बलिंग है, ये इसमें मतलब पैसे हार जाते हैं। लेकिन प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी पड़ती है, उसके लिए ये चैनल आपके हेल्प कर रहा है। आप यहाँ पे बहुत सारी मैंने स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, प्राइस एक्शन के बारे में बताया, इंडिकेटर्स आपको सिखाया जिनको आप फॉलो करते हैं बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो। खैर, तो इस वीडियो में स्टॉप लॉस की बात करते हैं। जब भी हम ज़ेरोधा में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कई लोगों को तो यहाँ तक ये कन्फ्यूज़न है कि जब हम परचेज करते हैं, जब हम लाइक कोई भी शेयर को बाय करते हैं, हम तभी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं, अगर आप बाय करते हो उस टाइम तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। जैसे हम क्या यूजुअली क्या ऐसे कुछ स्क्रीन ओपन होकर के आती है, स्पेशली बेगिनर जो नए लोग हैं, यहाँ पर MISN की इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे SL ऑर्डर इनको मिलता है और यहाँ पे SL यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नहीं लगता है। क्योंकि आपको अपने लॉस को बचाना है जब आपने अपने शेयर को परचेज कर लिया। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, जब भी मानकर चलो ये यहाँ BHEL स्टॉक है, मुझे ये परचेज करना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। परचेज करने के टाइम SL या SLM को तो हमने छेड़ना ही नहीं है। हमको क्या करना है, या तो आप मार्केट प्राइस पे तुरंत खरीद लो, या फिर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। मानकर चलो अभी प्राइस चल रहा है 39.50 और मैं चाहता हूँ कि मेरे को 39.40 पे आए, तब मेरे को मिले, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट अपना प्राइस डाल सकते हैं 39.4। तो मतलब प्राइस जब 39.40 आए या फिर इससे नीचे, तभी मुझे खरीदना है, इसे ज़्यादा रेट पे नहीं खरीदना है। या फिर मार्केट में कर सकते हैं, जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसी टाइम ऑटोमेटिकली हमारा परचेज हो जाएगा। मोर ऑप्शन में जाकर के सिंपल से यहाँ पे रेगुलर को और डे को करके बाय करना है, आपका जो शेयर है वो परचेज हो जाएगा। तो जस्ट एक डेमो के लिए इसको क्या करते हैं, अब बिना कुछ रेट देखे मार्केट में इसको कर देते हैं बाय। बाय करने के बाद सिंपल, अब आपने उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में आपने सिंपली क्या करना होता है, अपने ऑर्डर्स में जाकर के आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा आपका, और यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है सेल करने की, या फिर आप सिंपल से अपने पोजिशन में चले जा सकते हो। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी इजीली कर सकते हो। यहाँ पे भी जा करके देखो तो ये स्टॉक जो हमने खरीदा था, यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स आते हैं, या फिर उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जिट की ऑप्शन मिलेगी आपको, तो एग्जिट को क्लिक करना है। सीधा सेल भी कर सकते हो, सेल में ये है कि आपको क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी, लेकिन एग्जिट में क्या है कि आपको क्वांटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना भी क्वांटिटी आपने खरीदा होगा 100, अगर आपने बाय किया है तो एग्जिट करोगे तो वो सेल हो जाएगा। अगर आपने पहले शॉर्ट किया है, सेल किया है और बाय करना, तो ऑटोमेटिकली वो बाय कर देगा। एग्जिट क्या है कि ऑटोमेटिकली फिल करके आएगा। तो जो एक्चुअल में जो हमको स्टॉप लॉस लगाना है, बाय करते टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगता। एक बार आपने शेयर बाय कर लिया उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाना है। हमने शेयर को बाय कितने पे किया, हमारा मार्केट प्राइस से बाय हुआ था 39.55 पैसा। ओके, तो मैं चाहता हूं अगर तो ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मुझे जहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना होगा मैं कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 39.55 रुपए अगर शेयर नीचे जाता है, अगर मान के चलो ये 38 पे चला गया, 37 पे चला गया, यहाँ पे मेरा 2-4% जितने का भी मतलब एग्जाम्पल के लिए लॉस हो रहा है, तो क्या है कि इससे ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो क्या पता शेयर बहुत ही डाउन चला जाए और जो आपका कैपिटल है वो भी मतलब खत्म हो सकता है 2-4 ट्रेड्स में। होता क्या है ना, जब हम इंट्राडे करते हैं तो हमारा मार्जिन यूज होता है, मतलब अप टू 10 टाइम्स हमको मतलब पैसे कम लगते हैं इसमें। ओके, एज कम्पेयर टू डिलीवरी। तो यहाँ पे होता है कि जो हमारा ट्रेडिंग का जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो बड़ी अमाउंट पे काउंट होता है।
तो इस वजह से जो हमारा लॉस ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, पहले हमने सिंपली इसको बाय कर लिया, नॉर्मली मार्केट प्राइस लिमिट पे बाय कर लिया। अब जो स्टॉप लॉस लगाना है हमको सेल ऑर्डर पे लगाना, उसी को हम सेल करेंगे, क्वांटिटी जितना कि उसको भरेंगे। क्वांटिटी तो मैंने एक ही लिया था डेमो के लिए, एक कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाना है या फिर हमको SLM लगाना है। लगाना कैसे पहले ये बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, और इनमें से आपको कौन सा लगाना चाहिए अपने लॉस को कम करने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर पे लगता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, इसका मतलब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ये है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। ओके, अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि इस प्राइस में क्या होता है कि एक तो हम अपना प्राइस डालते हैं कि हमको मान कर चलो मेरे को 35 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, 35 रुपीज़। और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस मैं कर सकता हूँ क्या, ट्रिगर प्राइस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 35.5, थोड़ा सा ज़्यादा। इससे क्या होता है कि जब प्राइस नीचे गिरने लगे और जैसे ही वो 35.5 पे आएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा ब्रोकर है एक्सचेंज के पास हमारा रिक्वेस्ट भेज देगा कि जैसे ही 35 या इसके बीच में शेयर रहता है तो जो हमारी क्वांटिटी है वो सेल हो जाए। ओके, अब यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक नुकसान है, नुकसान जरूर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं SLM ऑर्डर के बारे में। SLM क्या होता है, SLM है स्टॉप लॉस आपका मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको प्राइस एंटर करने की ऑप्शन नहीं रहेगी, सिंपली जिस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ पे आपने ट्रिगर प्राइस यहाँ पे कर दिया 35 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, जैसे ही प्राइस नीचे गिरते गिरते 35 रुपये पे आएगा, ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद में एक्सचेंज के पास ट्रेडिंग की रिक्वेस्ट जाएगी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो भी प्राइस रहेगा मार्केट में उस टाइम, वो हो सकता है वो 35 पॉइंट उससे कुछ नीचे हो या फिर है ना थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का फर्क होगा, और जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस प्राइस पे जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल हो जाएगा, तुरंत सेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या है, मान करके चलो आपने अपना ट्रिगर प्राइस रखा, यहाँ पे चेंज करना होगा हमको, जैसे कि प्राइस हमने रखा था 35 और ट्रिगर प्राइस हमने रखा था 35.5। अब मान के चलो प्राइस है 36, 36 के बाद में 35 में कोई ऑर्डर ही नहीं है, सीधा 34 पे है, मतलब 36 से सीधा प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हो गया कि 34 पे आया। अब होगा क्या कि आपकी प्राइस तो उस रेंज में आई ही नहीं, ये तो वैल्यू ही नहीं मिला, तो ये आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही रह जाएगा। और अगर प्राइस 34 से नीचे चला गया, वो 20 पे चाहे वो 15 पे जाए, जहाँ भी जाए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काम नहीं करने वाला, और बाद में आप पछताओगे, हाय राम ये क्या हो गया, मैं तो स्टॉप लॉस लगा रखा था क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं मिली ट्रेड में। तो यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि आप ऑलवेज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में लगाएं, ट्रिगर प्राइस में अपना स्टॉप लॉस डालें, जैसे ये प्राइस पे पहुंचेगा जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस पर वो सेल कर देगा और आपके लॉस को बचाएगा, बहुत कम लॉस अपने यहाँ पे निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा है स्टॉप लॉस और SLM ऑर्डर का। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। और यहाँ पे अभी कुछ लोग का डाउट होगा कि ठीक है ये सेल में अगर हमको सेल में स्टॉप लॉस लगा तो बाय में ऑप्शन क्यों आता है, बाय में ऑप्शन क्यों आता है, उसका थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। सपोज जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग मतलब कि हम बिना शेयर को खरीदे हुए पहले क्या करते हैं, बेच देते हैं, और फिर मार्केट बंद होने से पहले हमने उसको खरीदना होता है। ओके, मतलब 3.5 दिन से पहले हमने खरीदना है। मान करके चलो कि मैंने ये जो शेयर है टाटा मोटर है, इसको मैंने सुबह में बेच रखा है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसको अब एग्जिट करने के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा। मान लो मैंने 10 शेयर बेच रखे हैं, अब एग्जिट करने के लिए तो यहाँ पे मेरे को 10 क्वांटिटी बाय भी करना पड़ेगा। मैं बाय नहीं करूंगा तो क्या होगा, 3.5 का जब टाइम आएगा, 3:18 है 20 मिनट, तो ऑटोमेटिकली वो बाय कर देगा और उसके ऊपर मेरे को पेनल्टी भी डाल देगा, स्क्वेयर ऑफ के चार्जेस भी डाल देगा। तो यहाँ पे बाय में भी सेम चीज़ है कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि अपने लॉस को कम करके प्राइस ज़्यादा नीचे ना जाने लगे तब काम करे। और जो बाय वाले में क्या होता है कि जब हम इंट्राडे में इसको यूज़ करते हैं, हमने पहले सेल कर रखा, अब हमको खरीदना है, तो खरीदना कब है, हमको कम रेट में खरीदना है, ओ सॉरी हमको खरीदना है, राइट, कम रेट में खरीदना, ज़्यादा पे तो हमने बेचा होगा और कम रेट पे हमने इसको खरीदना है ताकि हमको बेनिफिट मिले। अब कम रेट को खरीदने के लिए कि हमारा ज़्यादा रेट पे ना खरीदा जाए, उसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं मार्केट में प्राइस पे या फिर लिमिट करके। तो बस सिंपल है, वहाँ पे वो सेल वाली साइड में लगा रहे थे, यहाँ पे बाय वाले में करेंगे ताकि हमको जो है यहाँ पे
ज़्यादा मतलब प्राइस पे हमको ज़्यादा ना खरीदना पड़े, जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई अब इससे इस प्राइस में अगर खरीदता हूँ तो सेल के मुकाबले मेरे को ज़्यादा लॉस होगा, तो यहाँ पे वहाँ पे काम आएगा आपका यहाँ पे SL और SLM। तो सिंपल सी बात है जो नॉर्मली है आपको बता देता हूँ, सिंपल आपने कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, हम उसको बाय करते हैं बाद में सेल करते हैं, और तो स्टॉप लॉस लगाना है तो हमने सिंपल पे क्या करना है, पहले सिंपल बाय कर लेना, बाय करने के बाद एग्जिट में जा करके या सेल में जा करके जो भी क्वांटिटी है उसको डाल करके हम उस सेल में लगाएंगे, अगर हमने शॉर्ट सेल किया तो हम उसको बाय में लगाएंगे, लगाना कैसे वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जरूर था स्टॉप लॉस लगाने का। आई होप कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया और जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, अपने डाउट्स को पूछिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरे के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।